हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जेंट्स पैंट की साइड पॉकेट किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको तीन तरीके से साइड पॉकेट बनाना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, लास्ट तक देखिएगा, एक ही बार में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें कि आप किस तरीके से साइड पॉकेट बनाते हैं। तो साइड पॉकेट बनाने के लिए हमने इसकी जो पॉकेट है वो कट कर ली है। तो पॉकेट की जो लंबाई रखेंगे वो हम रखेंगे 13.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 7 इंच। इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट को ले लिया है। तो इसमें हमने जो मार्किंग है वो पहले ही की हुई है साइड पॉकेट की। तो एक बार हम नाप कर आपको दिखा देते हैं। तो हमने यहाँ से लिया है 2.5 इंच और यहाँ से हमने लिया है 7.5 इंच। इसमें हम नीचे की तरफ राउंड देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने पॉकेट को रखा है। जो हमारा सीधा वाला हिस्सा है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे, उल्टा हिस्सा हम ऊपर की तरफ रखेंगे। और दोस्तों, जो फ्रंट पार्ट का हमारा पल्ला है तो उसको भी हम सीधा रखेंगे। इस पर हम मार्किंग कर लेंगे जहाँ से हमने चटके लगाए हुए हैं। तो दोस्तों, इसमें हम एक जाती लेंगे यानी एक टुकड़ा लेंगे, तो इस तरीके से रख देंगे चटकों से मिलाकर। और इसमें हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेंगे। इसको अच्छी तरीके से हम पलट लेंगे। दोस्तों, जैसे आपको इसमें बॉन्ड निकालनी है तो आप इसमें बॉन्ड निकाल सकते हैं। इसमें लक की सिलाई से इसको पक्का कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी पहले तरीके की पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। अब दोस्तों, हम आपको दूसरे तरीके की पॉकेट बनाना बताएंगे। तो दोस्तों, ये पॉकेट बहुत ही आसान है, तो इसको आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको एक ही बार में सारी पॉकेट बनाना आ जाएगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने पहले पार्ट जो पहली पॉकेट बनाई थी उसके पार्ट को हमने कट किया हुआ है, उसी तरीके से हमने इस पार्ट को भी कट कर लिया है। पॉकेट का जो मार्क है वो हमने लगा लिया है। तो इसकी पॉकेट का जो हमने कपड़ा लिया है उस कपड़े
तो इस कपड़े की जो लंबाई है वो हमारी 13.5 इंच है और इसकी जो चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 7 इंच, यानी सेम हमारी लंबाई है पॉकेट की। यदि आपको उससे छोटा या कम करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ही रखेंगे। तो इसमें भी हम नीचे की तरफ राउंड दे देते हैं। अब दोस्तों हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो पॉकेट का कपड़ा है उसको हमने उल्टा रखा हुआ है और ये जो हमारा फ्रंट पार्ट का पल्ला है तो इसको हम सीधा रखेंगे। जहां पर हमारे ये चटके लगे हुए हैं वहां से हम इसमें अच्छी तरीके से क्रॉस में लाइन करेंगे, एकदम स्ट्रेट लाइन करनी है। ऊपर वाले पार्ट को हटाकर नीचे वाले पार्ट को हम कट कर देंगे। इस तरह से हम इसको खोलकर बिछा लेंगे। अब दोस्तों ये जो हमारा कपड़ा है यानी ये जो हमारी जाती है तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके लपकी सिलाई से इसको पक्का कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे दूसरे तरीके की पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। अब दोस्तों हम आपको तीसरे टाइप की पॉकेट बनाना बताते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने दो फ्रंट पार्ट के पल्लों को कट किया हुआ था उसी तरीके से हमने इसको भी कट किया हुआ है। सेम मार्क हमारा पॉकेट का वही लगा हुआ है जितना हमने उस पर लगाया हुआ था। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने एक पेस्टिंग की पट्टी कटी हुई है, ये हमारी 1/2 इंच से ज़्यादा है, इसमें आप 1/2 इंच भी ले सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, जहाँ से चटके हैं हमारे तो इस तरीके से पार्टों पर हम चिपकाएंगे इसको। ये हम टैपिंग वाली पॉकेट बना रहे हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने और भी पॉकेट के लिए जो अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है उसी तरीके राउंड देने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, दोस्तों जो ये पॉकेट वाला कपड़ा है हमारा तो इसको क्या करेंगे, इसको हम सीधा रखेंगे, उल्टे तरफ हम मार्किंग कर लेते हैं। सीधा रखने के बाद दोस्तों अब दोस्तों जो हमने फ्रंट पार्ट के पल्ले में जो वो पेस्टिंग चिपकाई हुई थी उसको हम उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद
दोस्तों जहां पर हमारी ये टैपिंग लगी हुई है वहां से हम सटाकर इसमें एक सिलाई लगा लेते हैं। दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से इसको बनाना है। दोस्तों जरा सी भी आपकी मिस्टेक इसमें हो गई तो आपकी जो पॉकेट है वो बद्दी लगने लगेगी, तो आपको काफ़ी होशियारी के साथ इस पॉकेट को बनाना है। यदि दोस्तों आपके पास पूरी पैंट का कपड़ा है तो आप इसे आसानी के साथ बना सकते हैं, और जैसे इसमें अस्तर लगा रहे हैं तो आपको होशियारी के साथ आपको बनाना है, क्योंकि अस्तर हमारा बाहर की तरफ दिखने लगेगा तो हमारी पॉकेट बद्दी लगेगी। तो इसमें जो है अस्तर को अच्छी तरीके से पलटना है जिससे हमारा अस्तर बाहर की तरफ ना लगे। यदि आप सेम कपड़े से पॉकेट बना रहे हैं तो आपको इतनी समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसको पक्का कर लिया है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो कपड़ा है बिल्कुल भी नहीं चमकता है। अब दोस्तों इसको भी हम पक्का कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पॉकेट बनकर तैयार हो गई हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही है, आपसे किसी नई वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।